कौन हूँ। तो आज इसी पे पढ़ रहा था मैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो आज हम सब आज जनरल अवेयरनेस हर हर आजकल कंपलसरी कर दिया गया है। कोई भी कॉम्पिटिशन देंगे जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कुछ भी होता है लेटेस्ट पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ, कल क्या हुआ, पूरा दिमाग में रजिस्टर कर लेना पड़ेगा। तो हम इतना डेटा रजिस्टर करते हैं। मुझे याद है जब मैं MBA की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय, तो कितना डेटा याद करना पड़ता था। तो क्या नहीं याद करना पड़ता, और इस कंपनी का क्या टैगलाइन है, क्या है, कब कौन कब क्या हुआ, सब पूरा। हाँ, जैसे अभी आपसे पूछूं मैं कि अभी किसने गोल्ड गोल्ड पाया था, कौन गोल्ड पाया था, देख तो सबकी एक जवान है, देख रहे हैं तुरंत। तो कौन बनेगा करोड़पति का, तुरंत कंपटीशन जीत जाएंगे सब। लेकिन अपने बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। संसार के बारे में हम सब इतना सीख गए हैं, बट हार्डली कोई अपने बारे में जानता है। यही सबसे बड़ा आयरनी है हम लोगों के जीवन में। और अपने आप को ही हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसीलिए इसका थोड़ा सा कुछ ये आता है एक अंडरस्टैंडिंग कि क्या हम ये हैं सब। हम क्या कैल्शियम आयरन फास्फोरस पानी यही सब हमें। हाँ, किसी का अगर देखा जाए मतलब हम क्या केमिकल का बैग है, यही वैल्यू है हमारी। शरीर में तो यही है सब कुछ। इसका अगर आप देखेंगे तो 2-3 हजार रुपए का दाम होगा, जितना आपका शरीर में कैल्शियम आयरन फास्फोरस इस सब मिला के जो कंटेंट है, बाजार में तो यही रेट है। क्यों, पानी ज्यादा भरा हुआ है तो इसका तो यही रेट है। डिपेंड करता है, इनका कहाँ कीमती है बेचा थोड़ा। कहाँ बेचा जाए, आगे सऊदी में बेचा जाए, कैसे उत्तर भारत में। खरीददार होंगे से भी निर्भर करता है। तो पॉइंट ये है कि तो क्या हम यही हैं, बैग ऑफ केमिकल, यही हमारी वर्थ है। और जैसे मतलब अगर हम बात करें तो जैसे अगर किसी, मान लीजिए कोई आंख नहीं, अंधा है, कोई सुन नहीं सकता है, तो भी तो जीवित रहता है ना। इसका मतलब क्या है कि वी कैन एग्जिस्ट विदाउट, वी कैन एग्जिस्ट बीइंग ब्लाइंड डेफ एंड डम। यही अंडरस्टैंड, मतलब हमें हमारा अस्तित्व इससे अलग भी है। इसका मतलब शरीर के हर अंग को अगर हम हटा दें तब भी मेरा अस्तित्व रहेगा। क्योंकि तो आजकल मैं भी बताया था इन दीवार से, जो भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम बॉडी के सारे पार्ट, तो भी तो मैं जीवित हूं। इसका मतलब मैं ये केमिकल का थैला नहीं हूं, इससे अलग जो है वो मैं हूं। तो लोग जब कभी कभी बोलते हैं केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाँ, कि हमारा जो जो जन्म हुआ है हमारा केमिकल से हुआ है। हाँ, लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल। केमिकल तो अगर केमिकल से आया है तो आप कोई भी बना के तो दिखाओ जीवन। घास का तिनका भी बना के दिखा दो, कुछ नहीं बना सकते हम। यहीं से उठाते हैं और फिर बनाते हैं। कुछ भी हम अपने से नहीं क्रिएट कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि H2 दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का लेके H2O बना दिया। लेकिन हाइड्रोजन आई कहां से, ऑक्सीजन आई कहां से, और अगर आई है तो ये बताओ इस समुद्र का जो रिएक्शन किसने कराया था इतना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा के, कहां पर ये फैक्ट्री खोली गई भाई इतना बड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना के। हाँ, तुम तो अपना 2-4 बूंद पानी की बना के बड़े खुश हो रहे हो लेबोरेटरी में, और जो इतना ज्यादा बना पड़ा है उसके लिए कोई कदर नहीं दे रहे हो। तो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ इज अ टोटल फैलेसी, फॉल्स है, गलत है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, हाँ, जीवन जीवन से आता है। तो हमारा ये हमें समझ होनी चाहिए। जैसे इसको एग्जांपल दिया गया है इस बुकलेट में, आप जब पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल में, आपको 4 लेसन हमने शेयर करिए, 5वां शेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें एक ऐसी मशीन कुछ बनाओ, ऐसी मशीन
इसमें एक तरफ घास डाले और दूसरी तरफ दूध निकले। गाय है वो। अरे तुम बनाओ ना मशीन ऐसी, वो तो भगवान ने बनाया, तुमने कहाँ बनाया। आगे आ जाओ थोड़ा सा, बताइए कोई ऐसी मशीन बना सकता है। मुझे लगता है ये तो फिर पेटेंट हो जाएगा बिल्कुल तुरंत। एक तरफ घास डालो दूसरी तरफ दूध निकले, हंस रहे हैं लेकिन ऐसा है। जबकि तो अगर हम गाय को सिर्फ मशीन ही मानते, यही तो हम आजकल कर रहे हैं, गाय को सिर्फ मशीन मानते हैं, तो फिर ऐसी मशीन बना के दिखा दो। अगर गाय सिर्फ मशीन है तो बना के दिखाओ ना। तो कभी कभी बोलते हैं अपनी जीभ को सेटिस्फाई करने के लिए कि उसमें ना सो आत्मा नहीं होती है। जैसे क्रिश्चियंस उनके कमांडमेंट है, 10 कमांडमेंट में बाइबल में दिया हुआ है, वो टेस्टामेंट में, कि डाउस आर नॉट किल, तुम्हें किसी को नहीं मारना है। तो वो क्या बोलते, नहीं इसमें इसका मतलब है ना मनुष्यों को नहीं मारना है, बाकी की सबको मार सकते। दे हैव चेंज द मैसेज। जब आप मैसेज को बदल दोगे तो फिर वो उसका उस शास्त्र को पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वो असर नहीं करेगा, प्योरिटी खत्म हो जाती है। जैसे आज आप गीता को लेकर बोल दो कि गीता में लिखा है कर्म ही पूजा है, कुछ भी लिखा है हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो आपने मतलब क्या किया, आपको अब फिर गीता पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो टेस्टामेंट में साफ साफ लिखा है कि आप किसी जीव को नहीं मार सकते। तो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं उसमें लाइफ नहीं है जी, वो तो ऐसे ही है, केमिकल है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी अपनी जीव के लिए कुछ भी कहानी बना के दे देते हैं। तो बट अगर गाय एक मशीन है तो बनाओ। गाय सिर्फ मशीन नहीं है, हाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जी। आप घास में कोई विटामिन होता है, लेकिन दूध में तो बहुत कुछ होता है। तो अंदर ऐसा क्या चमत्कार हुआ है जिसकी वजह से उसमें इतना विटामिन प्रोटीन आ गया है, तो वो सब हमें समझना चाहिए। दिव्य, तो इसीलिए भगवान और आत्मा के वहां रहने से ये सब दिव्यता आ रही है। इसीलिए ये हमें समझना चाहिए कि ये मशीन नहीं है सिर्फ, ये इसके अंदर कोई है, हम सिर्फ मशीन नहीं है, हम मशीन से अलग कुछ है जिस जो अंदर रह रहा है, जिसकी वजह से इस शरीर में दिव्यता है। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, और इसीलिए ये हमारी स्थिति है कि शरीर में चेतन जो कॉन्शियसनेस है वो आती है। इसको कई तरीके से समझा सकता है, इसको हम हमारे साथ पढ़िए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम् अभ्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस चेतना की बात हो रही है, जो चेतना है वो क्या है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। और उस चेतना को एक्चुअली, क्योंकि उसका सोर्स आत्मा से है, तो आत्मा की वजह से पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। इसको ऐसे समझाते जैसे इसमें आया भी, जैसे आप साइनाइड है, एक जगह पर टच हो जाता है तो तुरंत उसका असर पूरे बॉडी में दिखेगा, तुरंत इंसान मर जाएगा। देख रहे हैं इतना पावरफुल इसका प्रेजेंस है, टच होने मात्र से तुरंत असर, साइनाइड इतना जहरीला है। और तो वैसे ही सोचिए आत्मा कितनी शक्तिशाली है, मतलब छोटी सी आत्मा जो दिख भी नहीं रही है उसकी उपस्थिति से हाथी जैसा शरीर में कितना शक्ति आ जाती है। व्हेल मछली क्या इतना पावरफुल है सोचिए, तो आत्मा की पावर तो बट है टाइनी प्रेजेंस उसकी, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और ऐसे कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे आग एक जगह पर जल रही है तो पूरे रूम में उष्मा और रोशनी देती है। तो ये इससे पता चल जाता है कि आत्मा एक जगह पर है लेकिन इसकी वजह से चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, वी आर कॉन्शियस ऑफ सो मैनी थिंग्स अराउंड अस बट नॉट अबाउट अवर ओन कॉन्शियस सेल्फ। दुनिया भर की चीजें क्या क्या चल रहा है सब पता है, अपने बारे में कोई आइडिया नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को आउटवर्ड की जगह इनवर्ट करना सीखें। आउटवर्ड आज दुनिया हमको, आप देखेंगे आज लोग, अगर जैसे कोरोना टाइम था, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया घर पे रहना, क्योंकि सब आज हम आउटवर्ड सोशलाइज, ऐसा लाइफ हो गया हमारा कि हम अकेले रह नहीं सकते, अपने साथ रह नहीं सकते हैं।
इनवर्ट हम है ही नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक जगह पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आत्मा की प्रेजेंस को हमें समझना चाहिए। अभी जो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उसको, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, हमारी स्थिति अभी क्या है। आत्मा अशुद्ध स्थिति का मतलब होता है कि हमारी चेतना अभी क्या है, परवर्टेड हो गई है। हम जो अभी महसूस कर रहे हैं वो हम अशुद्ध चेतना को अनुभव करते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाहर, एज लॉन्ग एज आई एक्सपीरियंस दीज ट्रेड्स इन माई कॉन्शियसनेस दैट इज नॉट आई, दैट इज फॉल्स कॉन्शियसनेस। मतलब हम जो अनुभव करते हैं अपनी चेतना में अभी जो है, वो सब कुछ हम दूषित अनुभव करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे ये हम सब अभी महसूस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे झूठी चेतना कैसे, जैसे मान लीजिए अचानक एक ऑफर आ गया है कि मोराबादी ग्राउंड में जाना है, मोदी जी आ रहे हैं, जो भी जल्दी पहुंचेगा उसको नौकरी मिल जाएगा। लेकिन तो नौकरी मिल जाएगा, ये कुछ मान लीजिए कुछ उनको 1 लाख का वो मिलेगा, हाँ चेक मिलेगा, चलिए जो जो इच्छा है सब मिलेगा। तो ऐसा हो गया, ठीक है, जो जल्दी जाएगा उसको मिलेगा, ऑफर सीमित समय तक है, ठीक है। अब जैसे ये खबर आपने, आपके मैसेज व्हाट्सएप में आ गया है, अब आपको, आप यहाँ, ठीक है, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, ठीक है, तो पहले जैसे ही वो ऑफर सुना आपने तो क्या जागा आपके अंदर, इच्छा जाग गई ना, काम जाग गया, ठीक है, जाना है तो जाना है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, अभी तो आपको रुकना है, क्लास चल रही है, तो क्या जागेगा आपके अंदर, क्रोध, देख रहे हैं, क्रोध जाग जाएगा धीरे धीरे, नहीं तो आप भागने लग जाएंगे, क्रोध मैं केवल गेट बंद कर दो, क्रोध जाग जाएगा, ठीक है ना। तो और मान लीजिए आप में से कुछ बाहर पहुंच गए, कुछ को हमने बंदी रख लिया, कुछ भाग गए, ठीक है, और आपको पता चला कि आप में से कुछ को मिल गया चेक, और वो फिर आया आपके वही, आप जब बाहर निकल रहे हैं दिखा रहा है चेक, तब क्या होगा आपके साथ, और जिनमें आप में से जिनको मिल गया होगा चेक उसको क्या हो रहा होगा, खुशी, घमंड, खुशी तो कहां हम जानते ही नहीं है, दूर दूर का नाता नहीं है, घमंड आएगा ना, ठीक है ना। तो आप ये सब जो देख पा रहे हो, और वो एक चेक मिलने के बाद भी और क्या जागेगा आपके अंदर, लालच भी आएगा, और काश वो दूसरे वाले का भी हाथ लग जाता है। मैं बहुत बार होता है, आप देखिए कोटा, लोग सरकार कोटा में कंसेशन दे के अनाज और ये सब देता है, तो लोग उनको बेचारे गरीब लोगों को तो नहीं मिलता है वो, तो सब बहुत बार ऐसे ही लोग उसको इधर उधर कर देते हैं, तो होता भी है तो इधर उधर दिखा के एक्स्ट्रा लेके आ जाते हैं, दूसरे का कोटा भी छीन लेते हैं, लालच। तो आप ये बताइए, ये जो चीजें हमारे अंदर अभी सबके अंदर आई, काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो आया, ये कहाँ था, मतलब ये बाहर था कि अंदर है, बाहर की चीजों ने बस आपके अंदर के जो इस काम क्रोध को पैदा कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया बस। तो ये हमारी स्थिति है, दिस इज अवर रियल सिचुएशन। हम तो ये है झूठी चेतना, रिफ्लेक्टेड या फॉल्स कॉन्शियसनेस, गलत चेतना। तो ये परिस्थिति आते ही, ये लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट मटेरियल सिचुएशंस देन ट्रिगर डिफरेंट इमोशंस विद इन अस। तो मैंने एक उदाहरण लिया, तो ये हमारे अंदर अपने आप वो भावना जागृत हो जाती है। तो काम बाहर नहीं है, अंदर है, क्रोध बाहर नहीं है, सब अंदर है। सिचुएशन भर, हम सब जो अभी बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन आ जाए फिर देखो हमारा असली रूप। कभी कभी जैसे हम भक्ति में भी आ जाते हैं तो बोलते हैं, अभी तो धोती तिलक लगा के धोती कुर्ता पहना, बाहर मिल तुम, फिर बताऊंगा असली मैं कौन। ऐसा भी हम बोलते हैं, कभी कभी नजर आते हैं।
हम बाहर से तो चेंज हो जाते हैं, अंदर बहुत ज्यादा डीप रूटेड इग्नोरेंस है, क्या अंधेरा है, मतलब ऐसी गुफा है अंधेरे की ना, मतलब ऐसी काली पुती हुई है जो जिसका कई किलोमीटर तक का उसकी परत है, काली पुती हुई है हमारे अंदर। तो इसीलिए असली वर्क हमें अपने अंदर करना है। हम पूरी दुनिया को सुधारने का प्रयास करते हैं, मैं इसको सुधार दूंगा, यू चेंज योर सेल्फ ना, तभी मेरे साथ तुम्हारी बनेगी, लेकिन अपने अंदर हम कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते, यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। नहीं करना चाहते अपने अंदर हम कोई वर्क, क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आजकल का समाज तो हमको इन चीजों को बढ़ाने के लिए इनकरेज करता है, और लालच बढ़ाओ, हाँ टीवी में ऐड आएगा, तुम भी कर सकते हो, देखो ये किसने कर दिया है, तुम क्यों बैठे हुए घर पे आओ, मतलब वो और आपको अंदर का ही बढ़ा देगा। और इसको अच्छा बोला जाता है, इसको अच्छा बोला जाता है। तो इसीलिए यही एक्चुअली हमको अंदर से, इनकी वजह से हम हर समय वी आर इन सफरिंग स्टेट, बहुत दुखी हैं हम, ये हमको हमारे लिए दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। अब सोचिए आपको वो मिल गया, लेकिन अभी लालच और बढ़ गया, अब क्या करोगे उस लालच का, मतलब आग में घी डाल दिया आपने अभी, तो ऐसी हालत में अंदर तो और भभकोगे, इसे जो लोग अंदर ही अंदर परेशान रहेगा। इसीलिए ये हमारी स्थिति है ये झूठी चेतना का। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे गार्डन है, एक गार्डन में जैसे यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो हम जैसे यहाँ पर कमल का है अभी, आज गेंदा का फूल लगेगा भगवान के लिए, तो जब हम गार्डन देखते हैं तो हमारा क्या रहता है कि भगवान की प्रसन्नता, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए एक शराबी आए यहाँ पर आता है, तो उसको कैसा लगेगा गार्डन, कैसा लगेगा उसको, नहीं नहीं वो बोलेगा अच्छा पीने की जगह है, बहुत अच्छा 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 जगह है, यहीं पर आना चाहिए, कोई अच्छा सेटअप कर लेते हैं, वो ऐसे ही सोचेगा। हाँ कोई अगर बोटनिस्ट आएगा, बोटनी वाला, वो बोलेगा कैसे भाई ये कमल इतना ऊपर कैसे हो गया, ये इतना नीचे होना चाहिए, हमें तो इसको अपना हिसाब से सोचेगा। देख रहे हैं आप, उसके लिए वो गार्डन देखेगा, बस उसी गार्डन को वो उसके अंदर वो अपने उसके साइंटिफिक नेम बोलने लगेगा, इसका ये नाम है। तो देख रहे हैं गार्डन एक ही है, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम सब दुनिया जो है उसको हम वैसे देखते ही नहीं है, हमारा हमारी जैसी चेतना है वैसी दुनिया को देखते हैं। जैसे अगर आप जिस रंग का चश्मा पहन लो वैसे ही आपको रंगीन दुनिया दिखेगी, हरा रंग का पहनेंगे हरी दिखेगी, लाल का लाल दिखेगी, दुनिया तो जैसे है वैसे हम नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप दुनिया को वैसा देखना चाह रहे जैसी वो है, तो आपको इन छह तरह की जो बीमारी है दोष उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम वैसी दुनिया को हम वास्तविक देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं, और इसीलिए हम कभी उसको सही से समझ नहीं पाते, समझे ना आप लोग, तब समझ में आ रहा है ना आपको। तो हम जो देख रहे हैं वो सही देख नहीं रहे, हमारी दृष्टि में दोष है। इसीलिए हर व्यक्ति, इसीलिए आप देखेंगे कितने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, सब अपना अलग अलग ढंग से, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है, वो अपने हिसाब से करना चाहता है अपने हिसाब से, लड़ाई झगड़ा होना निश्चित है। तो ये इसीलिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पर पॉइंट है। तो दूसरे का बिहेवियर अगर मुझे गुस्सा दिला रहा है, दैट मीन्स वो गुस्सा मेरे अंदर है। अभी ये बोलते तुम चले जाओ मेरे सामने से, बस नहीं तो अभी क्या होगा तुम्हारे साथ, चले जाओ, मतलब वो उसके रहने से अंदर जो गुस्सा आ रहा है वो अंदर से, he is himself is infected with anger, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हुआ आपको, तो सब ने चश्मा पहन रखा है ना, हाँ ये वाला, ये तो इस पहाड़ की जड़ आंखों के लिए, अंदर का जो चश्मा है सबने पहन रखा है ना, हाँ बहुत रंगीन है चश्मा आप लोगों का सबका, दुनिया को हम बड़े अलग अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है ना, यही इसका अंडरस्टैंडिंग हो। और इसी रंगीन चश्मे की वजह से क्या हो रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ, इसको श्लोक को मेरे साथ पढ़िएगा।
यम यम वापी स्मरण भावम गच्छति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया तद्भावो भावितः। तो हम जिस जिस भाव में रहेंगे मृत्यु के समय वो आपको शरीर उसी भाव का मिल जाएगा। तो हमारा भाव अभी क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का भाव, झूठी चेतना है। इसीलिए हमारा जो जन्म होगा इसीलिए वैसे ही जन्म होने वाला। तो ये आप समझ जाइए, ठीक है ना। तो जिस इस चेतना में अगर शरीर छोड़ दिया तो निश्चित है संसार में दोबारा आना पड़ेगा 100%। और किस योनि में जाना पड़ेगा तो अधोगच्छति निश्चित है। मनुष्य जन्म में अगर नहीं हम कर पाए अपने आप को इस इन झूठी चेतना से मुक्त, तो निश्चित रूप से गिरना पड़ेगा और किसी भी योनि में जाना पड़ सकता है। तो लिखा है इफ वन डाइज इन वाइल्ड कॉन्शियसनेस विल गेट अ बर्थ अमंग वाइल्ड एनिमल्स। शेर का शरीर दिया जाता है कि आप मांस खाइए, अच्छे से भरपूर खाइए, लेकिन अगर इस शरीर में खाने लग गए तो फिर तो वी आर वेलकमिंग अवर फ्यूचर बॉडी एज अ लायन, निश्चित रूप से। अरे करना है तो अच्छे से करो, हाँ। तो उसके लिए एक अलग ही शरीर दिया गया है, शेर का शरीर इसीलिए बना है। शेर वेजिटेरियन नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, उसको वही चाहिए, ठीक है ना। तो वो शरीर अलग अलग हर चीज के लिए मिला है। तो इफ ह्यूमन लाइफ इन ह्यूमन लाइफ वी कैन शिफ्ट फ्रॉम रिफ्लेक्टेड टू प्योर कॉन्शियसनेस, सिर्फ इस जन्म में ही हम अपने आप को शुद्ध चेतना में ला सकते हैं। अदरवाइज तो कभी कभी लोग बोलते हैं क्या निर्धारण करता है हमारा अगला जीवन, तो यही निर्धारण करता है कि आप कितना झूठी चेतना में जी रहे हो कि सही चेतना में जी रहे हो। तो इसके लिए शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर श्लोक बोला है, मैं इसको अभी इसमें आगे है कि नहीं, तो ये वाला श्लोक है, हाँ ये मैं एक बार इसको बोल देता हूँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। ये अज्ञानता का गहनतम जो हम सागर में डूब रहे हैं, तो ये बार बार चल रहा है। हाँ लिखा हुआ है जननी जठरे शयनम, ये हमारा प्रक्रिया चल रहा है, अनवरत अनवरत चल रहा है। तो इसलिए अभी जो तो शुद्ध चेतना क्या होती है, इसको अभी हमने अशुद्ध चेतना समझ लिया, अभी शुद्ध चेतना को समझते हैं। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराः। तो ये शुद्ध आत्मा क्या है ना, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, मतलब वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा, और ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दुखी होने के लिए नहीं है। ना सोचती ना कांक्षती, ना वो शोक करेगा जो उसके साथ हो गया है पहले, और ना कांक्षती, ना वो हैंकरिंग करेगा कि ये होगा होगा। जैसा मैं बताया था ना, मन के दो काम होते हैं, पास्ट में रहना और फ्यूचर का सोचना, यही दो काम अब नहीं होंगे इस स्थिति में। ना सोचती ना कांक्षती, हमारे हम हमेशा यही दो काम करते हैं, सोचती एंड कांक्षती, रोना और चिंता में रहना, चिंतित रहना, ये दो काम ही रहते हैं। तो और क्या होगा, समः सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवों को एक दृष्टि से देखता है, समभाव। और मद भक्तिम लभते पराः, देन ओनली ही कैन एक्चुअली एंटर कृष्ण भक्ति, उसी को पाऊं तो भगवान की भक्ति को पा सकता है। दिस इज लाइक अ जंक्शन, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, सेल्फ रियलाइज्ड सोल का अंडरस्टैंडिंग है।
तो हमेशा प्रसन्न रहेगा वो, तो ये शुद्ध चेतना है। मतलब आपके सामने वो स्थिति होगी जैसे कोरोना होगा, लेकिन आपने अपने आप को वैक्सीन लगा लिया, इसे बचा लिया, तो आपके सामने वही, फिर वही होगा, आप आएंगे तब अपनी इसी गार्डन में, लेकिन वो गार्डन आपके अंदर वो बिजनेस वाली भावना, काम क्रोध लोभ नहीं है। आपके सामने लोग लोभ दिखाएंगे, लेकिन आपके अंदर लोभ नहीं जाएंगे, देख रहे हैं। दुनिया में वो चीज आपको है, लेकिन वो आपके अंदर अब नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो खत्म हो चुका है। और आप बिल्कुल सोचिए कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। अभी आपके अंदर की चाबी ना बाहर है, आपके अंदर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं टीवी में, कितना हमें बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हम उनके पास ही सारी चाबी, बार 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 ऐड दे दे के आपको लगेगा बहुत जरूरी है इसको तो खरीदना है बहुत जल्दी हम, क्योंकि वो आपके अंदर इतना काम क्रोध लोभ को इतना पैदा कर दिया है कि अब आप फोर्स्ड हो जाएंगे उसके पास जाने खरीदने के लिए, फोर्स हो जाएंगे। तो इसीलिए अब आपके अंदर से इम्यूनिटी आ चुकी है, अब आप इन चीजों से प्रभावित नहीं होंगे, तो अब आपकी सफरिंग स्टेट खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जाता है क्या है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो ये चेतन महाप्रभु बोले हैं कि आप इस स्थिति में क्या है, कृष्ण सूर्य सम, जब आप भगवान कृष्ण के नाम को, उनके वाणी को अपने जीवन में उतारते हो, तो क्या होता है, सारा जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की हल्की सी भी किरण आ जाती है ना सुबह सुबह, तो सारा अंधकार मीलों दूर चला जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में कृष्ण आएंगे ना, तो माया का अधिकार चला जाएगा, माया वहां से हट जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना है कृष्ण के आदेशों से, उनकी वाणी से, नाम से, ताकि हमारे अंदर ये ना रहे, क्योंकि ये सब माया के एजेंट है, मन जो है माया का भी एजेंट बना हुआ है, और ये सब जो चीजें हो रही हैं, इसलिए हमारा स्वरूप क्या है, चेतन महापुरुष बोलते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कौन जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये याद होना चाहिए, हमारा स्वरूप क्या है कृष्णेर नित्य दास। हम यहाँ पर किसी के भी नित्य दास नहीं बन सकते, ये तो हमें वो भगा देगा मालिक हमारा, ये तो हम छोड़ के भाग जाएंगे मालिक को, कोई किसी का नित्य दास नहीं है। कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी नेचुरल पोजीशन है, और हम अभी आर्टिफिशियली दास तो कोई बनना नहीं चाहता, सब बॉस बनना चाहते हैं, हैं सब हम दासी, बॉस बनने की इच्छा है कि लोग, हमें पता नहीं है ना कि दास बनने में आनंद है, बॉस बनने में आनंद नहीं है, आर्टिफिशियल है ना बॉस बनना। और देखा जाए तो बॉस भी दासी होता है कि नहीं होता है, अगर बॉस अपने एम्प्लॉय की सेवा ना करे तो बॉस फिर रहेगा बॉस। इसीलिए जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो खुद बोलते हैं मैं क्या हूँ, जनता का सेवक हूँ, अब जनता का सेवक नहीं बनेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो, पॉइंट ही यहाँ, कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट में क्यों ना हो, सब सेवक, ठीक है ना, बॉस कोई बन नहीं सकता, लेकिन चाहते सब बॉस बनना है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अगर हम इम्प्योर स्टेट में रहेंगे तो क्या है, हमें बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आना पड़ेगा। आत्मा अगर ये काम क्रोध की स्टेट में रहेगी, और उनको तीन तरह के कष्टों को सहन करना पड़ेगा, तो मैं अभी तीन तरह के कष्ट आपको बता देता हूँ, कि हमने डिस्कस कर लिया था कि भगवान के, हम सनातन से इसको स्किप कर देता हूँ, ये सर्कस का स्टोरी अगर मैं सुनाता हूँ तो आपको फिर सुनाया जाए इसको, वैसे कुछ लोगों ने सुन रखा होगा, फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये 15.7 इसी का एक्चुअली एक्सटेंशन है, जो हमारा अभी हमने श्लोक में स्किप किया था एक्चुअली, इसको मैं क्विकली पढ़ लेता हूँ, कि आप मेरे साथ बोलिए, ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, इसमें मन भी शामिल है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इसी का ये
पे बेस्ड है सर्कस का स्टोरी। तो एक बार क्या हुआ कि सर्कस लगाए हैं, हाँ अभी तो शायद सर्कस लगना बंद हो गए हैं क्या, कभी कभी लगते हैं, तो इसीलिए पैसे की बात कर रहा हूँ मैं, तो रुपये की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत पहले सर्कस लगा था, तो सर्कस 25 पैसे का सर्कस लगा है। अब पोस्टर आप देखेंगे, सर्कस लगने से पहले ही पोस्टर पूरा लग जाता है, तो पोस्टर पूरे शहर में लग चुका है, 25 पैसे का सर्कस, आइए आइए 25 पैसे का सर्कस, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है 25 पैसे का सर्कस। सबने, पूरा शहर के लोगों ने डिसाइड कर लिया ये सर्कस तो मिस नहीं करना है, टिकट बुक हो चुका है पहले से, लाइन लग गई है यहाँ। तो हमारे सबसे पहले लाइन में खड़े हुए हमारे महाशय, तो सर्कस में दूसरे नंबर पे ये हैं, आगे ही बैठे हैं, तो इनको प्रिविलेज देना चाहिए। तो सबको अपना नाम बता दो एक बार। आर्य प्रांजल जी हमारे सबसे आगे लाइन में खड़े हैं, ठीक है। उनके पीछे अभिषेक भारती प्रभु जी हैं, तो इनमें आपस में चल रहा है मुझे आगे जाने दे, क्योंकि सर्कस 9 बजे मान लीजिए चालू होना था, तो ये लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही खड़े हो गए, रात भर सोए ही नहीं ये लोग। सबसे आगे पहला सर्कस तुम्हें देखूंगा, इंस्टाग्राम में डालना है, फेसबुक में डालना है, तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे होने चाहिए। तो जब ऐसा बोर्ड लगा है, लेकिन हमारे आर्य प्रांजल जी सबसे आगे पहुंच के किसी तरह से उन्होंने अपना सीट बुक कर रखा। अब सर्कस 9 बजने वाला है और सर्कस चालू होने के लिए, अभी सर्कस का कंडीशन यही था, एक बार में एक ही व्यक्ति इस सर्कस को देख सकता है, ठीक है ना। तो इनको एंट्री मिल गई हमारे आर्य प्रांजल जी को, बड़े खुशी खुशी अंदर चले गए। आज जब अंदर गए तो इन्होंने देखा तो वहां तो कोई दिख नहीं रहा है, रिंग था, कोई दिख नहीं रहा है, खाली पड़ा हुआ है। तो रिंग में गए तो फिर एक आया, एक खट्टा खट्टा व्यक्ति आया, हाथ में बड़ा भयानक वो क्लब होता है हंटर टाइप का, और चाबुक जो भी बोलो, बोला हाँ सर्कस होगा लेकिन तुम्हारे साथ ही होगा। सर्कस तो होगा, तो हमारे आर्य प्रांजल के साथ, सोचिए अब आप लोग तो इमेजिन कर सकते हैं। तो खूब बिठाई हुई, दे दनादन, और ये बोल रहे नहीं बस करो, लेकिन इनको बहुत पिटाई हुई, बोला हो गया खत्म सर्कस। आप लेकिन पीछे तो अभिषेक भारती प्रभु है, उनके पीछे पूरा लाइन लगी है रांचे से, तो अब ऐसे तो जा नहीं सकते हैं, धूल धूसरित हो चुके हैं। तो इन्होंने अपने आप को ठीक किया था, अच्छा दिखे और बाहर निकले। अभिषेक प्रभु पूछते हैं भारती गुरु भी गए खुशी खुशी, बिल्कुल क्या हुआ उनके साथ, वही सेम स्टोरी, सेम पिटाई, वैसे ही, कोई इसमें रियायत नहीं बढ़ती कि उसको कम मारा तो जिसको कम, थोड़ा इसको ज्यादा मारे कम कर दिया, उतना ही पिटाई हुई। और ये भी बाहर आए, पीछे शक्ति गुरु ऐसे करती, पूरा लाइन लगी थी, सब एक एक करके पूरा शहर ने सर्कस देखा है, और सारे लेकिन शहर में एक ही खबर है क्या, जबरदस्त सर्कस। लेकिन अभिषेक भारती प्रभु और आर्य प्रांजल प्रभु जी क्या सोच, वो क्या सोच रहे हैं, इनका सोचने का क्या था बताओ, बाकी सबने बहुत अच्छा सर्कस देखा है, मेरे साथ ही जाती हुई है, मैं ही दुख में था, मेरे ही पिटाई हुई है, बाकी ने सब मजे किए सर्कस, मेरे साथ ही दुर्भाग्य हुआ था। तो ये हम सब की स्टोरी है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यही हम सोचते हैं, अरे मैं ही दुखी हूँ, सामने वाला खूब मजे कर रहा है, वो फिल्म स्टार, वो स्पोर्ट स्टार बहुत मजे कर रहा है, देखो बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग कितना, देखो अमेरिका में लोग, इंडिया वाले ज्यादा दुखी रहते हैं, अमेरिका वाला बहुत आनंद में है, हम सब यही सोचते रहते हैं रात दिन, तभी तो हम वैसा बनना चाहते हैं, जबकि पूरे
भगवान ने क्या बोल दिया है, सब के सब सारे जीव इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, और हम क्या है, हम भगवान की डेफिनेशन, भगवान की बनाए गए उसको सोच रहे हैं हम चेंज कर देंगे इस डेफिनेशन को ना, हम ही मान, इसमें जो प्रकृति स्थानीय कर सकती है ना उसको बोल देंगे प्रकृति स्थानीय हर सती, हाँ आनंद में आ जाएंगे, ऐसा हम कर देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी स्टोरी है, तो आप लोग थोड़ा सा इसीलिए हमको जब हम गीता से जब समझ जाते हैं तो ये आर्टिफिशियली जो हम ये सब जो अटेम्प्ट करते हैं ना खुश होने का वो छोड़ देते हैं प्रयास, वास्तव में खुश रहने का हम फॉर्मूला सीख लेते हैं। तो इसीलिए ये अटेम्प्ट को त्याग दीजिए, और इसीलिए ये तीन तरह के दुख हैं। तो एक जो है आध्यात्मिक क्लेश बोला जाता है, जो मन के द्वारा हमें दुख मिलता है, इनको याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे अगली बार, अगली बार तो पहले तीसरे में चौथे में होगा, फिर इसको देखेंगे। तो मन के कारण दुख आता है, ठीक है, और ये तो बहुत पुराना रिसर्च है, कोरोना के पहले का है। 1 in 4 people in the world suffered at some time some kind of mental disorder. तो ये अब 450 million people suffer from mental disorder. तो ये देख रहे हैं आप, ये डेटा मैंने नेट से लिया है, आपका सोर्स है इसका, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया है। त्रिविध क्लेश इसको बोला जाता है। दूसरा क्या है, दूसरे जीवों के द्वारा, दूसरे जीव में कई जीव हैं, तो ये मच्छर भी है, हाँ, तो दूसरे जीवों के कारण प्राप्त दुख, इसको आदि भौतिक दुख बोला जाता है। तो एक तो हमारा स्वयं का मन शरीर है जो उससे कष्ट, एक दूसरे जीवों के द्वारा जो कष्ट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने डेटा लिया नेट से, बोला इन 2016 216 मिलियन केसेस आए, इनमें से ये शायद मलेरिया का केस है, हाँ, और 4.4 लाख डाइड, 4.5 लाख लोग मर गए मच्छर की वजह से, और इंडिया है फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ मलेरिया केस इन डेथ, चौथा स्थान है मलेरिया के, उसमें इंडिया का। तो देख रहे हैं एक मच्छर जैसे कोरोना ने हालत खराब किया, तो अभी इसमें थोड़ा पीपीटी को रिन्यू करना पड़ेगा, इसमें अभी कोरोना का फिगर डालना पड़ेगा, तब आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बट मच्छर तो एवर ग्रीन है, हमेशा चलता है, कोरोना तो आया गया। तो वर्ल्ड वार टू बताया, अराउंड 60 million people वर किल्ड। तो ये सब क्या है, आदि भौतिक, और तीसरा कष्ट है त्रिविध क्लेश जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे अभी हाल में तो कहीं आया था ना, अभी बाढ़ आया था, बाढ़ आया था अभी, और उड़ीसा में भी तूफान उफान आया, साइक्लोन, हाँ, अब तो सब लोग जनरल अवेयरनेस में एक्सपर्ट हैं, तो ये सब आता ही रहता है। तो ये कोई बाई चांस नहीं है, ऐसा नहीं होता बाई चांस अचानक कहीं फट गया, बादल फट गया, बाई चांस कुछ भी नहीं होता है, दैट इज ऑल बीइंग अंडर द प्रॉपर गाइड, प्रॉपर सुपरविजन, ठीक है ना। तो ये दैविक आपदा होती है, इसको एक दंड दिया जाता है एक क्षेत्र को, जिस जगह पर ज्यादा मास लेवल पर पाप होता है ना, तो उन जगहों पर ऐसा होता है। ये कोई कोई ऐसा बाय चांस नहीं होता है कि अरे हाय में दुर्भाग्य हमारा कि हमारे ऊपर ये सब होगा, ऐसा नहीं होता। ये तो मतलब एक सिटी की बात हो रही है, पूरा का पूरा शहर देश गायब हो सकता है मिनटों में, क्षण में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, हम लोग स्वतंत्र नहीं है, वी आर अंडर प्रॉपर सुपरविजन। हमारे शरीर में जो हम 5 तत्व, मैंने भी बोला ग्रॉस बॉडी, ये सारे के सारे जो तत्व हैं, मन है, बुद्धि, अहंकार, ये सब के सब की कोई ना कोई देवता द्वारा नियंत्रित है, शरीर के हर पार्ट। हाँ, अग्नि देवता द्वारा आपके शरीर में अग्नि टेम्परेचर मेंटेन रहता है, अगर अग्नि देवता चाह ले तो आपका शरीर तुरंत ठंडा होकर आप मर जाएंगे, आपका पेट में अग्नि अगर बनना बंद हो जाए तो आप तो वैसे मर जाएंगे फूड पॉइजनिंग से। तो इसलिए समझ में आ जाना चाहिए कि हम अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए इन सभी देवताओं पर निर्भर हैं, और हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें क्या लेना देना है इनसे, लेना देना नहीं, तो अभी इसका तो देना लेना करना पड़ता है ना। देखिए ना, 12,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ फोनी में,
फनी नाम था शायद साइक्लोन का, फनी या फोनी था, फनी था हाँ फनी, चलिए फनी ही था उनकी, लेकिन उनके लिए फनी नहीं था जिनके साथ हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए हमें समझ में आ जाना चाहिए $5.8 billion लॉस इन केरला। हम कितना डेवलपमेंट करने के प्रयास करते हैं, लेकिन अगर सही से समझे ना कि डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट क्या है, अंदर से विकास करो, बाहर अपने आप ही हो जाएगा। तो इसीलिए तीन तरह के त्रिविध क्लेश निश्चित रूप से हम सबको पकड़े हुए हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो हाँ, जो अज्ञानता के, जो हमें हमारे अंदर एक हम दूसरी चेतना में जिएंगे, तो ये हमें निश्चित रूप से फेस करना पड़ेगा। तो और भी है सब, ये तो एक हुआ था उत्तराखंड में जब मैं था देहरादून में, तब ये डाला था मैंने वहां के लोगों के। एक उन्होंने कुछ एक देवी का मंदिर था उसको स्थापित कर दिया था, तो भी उस समय जो आपदा आई थी ना केदारनाथ वाली आपदा समय वो आई थी, वो जब दुर्गा देवी ने कहर ढा दिया था, फिर पूरा बाढ़ वहां सारा लैंडस्लाइड हुआ था। ये सब घटनाएं हैं। तो ये हमारी नेचुरल पोजीशन है कि हम सब सच सोल प्योर स्टेट में हमेशा सच्चिदानंद आनंद की स्थिति में रहती है। ये हमारी नेचुरल पोजीशन। हम सब चाहते हैं कि हम सब ना रोज, जैसे यहाँ पर हम कोई पिकनिक में जाना चाहते हैं तो हम साल में प्लान बनाते हैं एक बार दो बार ट्रिप में टूर में जाने के लिए, वहाँ हर दिन पिकनिक है। भगवान के धाम में हर दिन पिकनिक है, आपको हर दिन कृष्णा गाय को लेके घूमने जाते हैं बाजार, अपना बाजार के राम जंगल पे फॉरेस्ट, और वहां पर लंच पिकनिक होता है, वहां पर लंच प्रसादम सब पूरा आनंद आनंद है। मतलब हाँ सोचेंगे प्रकट हो जाएगा। हाँ देखिए तो अगर आपकी जो इच्छा होगी पेड़ आपको वहां के पेड़ भी कल्पतरु है, डिजायर ट्री है, टच स्टोन की तरह, मतलब जो मांगेंगे वो दे देंगे। ये धाम है भगवान का, भगवान का क्या आपका ही है, भगवान का मतलब आपका। लेकिन हम अभी बोले नहीं आप ही मेरे नहीं हो प्रभु, तो फिर कैसे आप उनका क्या आप समान, हम आज चाहे उनका समान मिल जाए मुझे, प्रभु नहीं चाहिए हमें। ये हमारी मेंटालिटी है, दैट इज रावण्स मेंटालिटी। रावण यही चाहता था सीता चाहिए मुझे, राम से कोई लेना देना नहीं, तो ये रावण की मेंटालिटी है। अगर हम इस मेंटालिटी से जिएंगे तो हमेशा रावण की तरह हमारी गति होगी। तो ये स्टोरी मैं आपको भरत महाराज की अगली बार सुनाऊंगा।